नमस्कार, आप देख रहे हैं बनअपना फाइनेंस मिनिस्टर। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और इस शो में हमारी कोशिश होती है कि आपको आर्थिक आज़ादी की राह पर ले जाया जाए और आपके निवेश पोर्टफोलियो के लिए आपको बताई जाए सही रणनीति। बेहद खास शो लेकर आए हैं, शुरुआत करते हैं उनके शो के साथ। सस्ता हुआ ETF में निवेश, पैसिव फंड्स में निवेशकों की बढ़ती दिलचस्पी से कई फंड हाउसेस ने एक्सपेंस रेशियो में कटौती की, तो क्या ये सही वक्त है ETF में निवेश करने का, बताएंगे आपको। जैसा प्रदर्शन वैसी फीस, म्यूचुअल फंड हाउसेस के लिए क्या है सेबी का इरादा, क्या सेबी के प्रस्ताव से म्यूचुअल फंड निवेशकों के मुनाफे में लग सकता है सेंध, किसे होगा कितना फायदा, जानेंगे आज। सिर्फ शाम की एक कप कॉफी छोड़कर बन सकते हैं करोड़पति, होगा डबल फायदा, जानेंगे क्या है हिट फॉर्मूला, किस तरह से फिजूल खर्ची को कम किया जाए। साथ ही आपको बताएंगे कैसे बनाएं एक संतुलित पोर्टफोलियो, निवेश, इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड, क्रिप्टो, लोन से जुड़े सवाल आप चाहें तो हमसे पूछ सकते हैं। अपने सवाल आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9619873567। इसके अलावा आप हमारा शो यूट्यूब पर भी लाइव देख सकते हैं, साथ ही प्ले लिस्ट में जाकर बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर से जुड़े एपिसोड्स देख सकते हैं। लाइव शो के दौरान आप अपना सवाल हमें कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं, हम आपके सवाल को शो में शामिल करेंगे। म्यूचुअल फंड में निवेश के लिए एक्सपेंस रेशियो काफी जरूरी माना जाता है और फंड का एक्सपेंस रेशियो ये बताता है कि कोई भी फंड आपको कितना सस्ता मिल सकता है। एक्सपेंस रेशियो के ज्यादा या कम होने का असर रिटर्न पर भी पड़ता है, इसीलिए म्यूचुअल फंड चुनने से पहले उसका एक्सपेंस रेशियो आपको पता करना जरूरी है। और आज हम बात करने वाले हैं ETF यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के एक्सपेंस रेशियो पर, और आपको बता दें कि कई म्यूचुअल फंड हाउसेस ने ETF पर एक्सपेंस रेशियो में कटौती की है, तो इसका मतलब क्या है, किस तरह से ETF को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाया जा रहा है, पैसिव फंड्स की लाइन में अगर ETF को देखना चाहें तो कितनी दिलचस्पी निवेशकों की यहाँ पर बढ़ती हुई हमें दिखाई दे रही है, पूरा मामला हम समझते हैं। हमारे साथ इसको लेकर खास मेहमान भी जुड़ गए हैं, श्वेता रजानी हेड म्यूचुअल फंड्स आनंदाठी वेल्थ और नीरव करकेरा रिसर्च हेड फिजडम, आप दोनों का स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। और चलिए श्वेता, शुरुआत में आपसे ही करना चाहती हूँ क्योंकि सबसे पहले तो एक्सपेंस रेशियो इन जनरल बारीकी में समझाएं क्या होता है। जी, एक्सपेंस रेशियो बेसिकली अगर देखा जाए तो एक फंड चलाने में जो आपका खर्चा है उसे एक्सपेंस रेशियो हम कहते हैं। अब फंड चलाने में आपका जैसे क्या खर्चा हो जाएगा, एक मैनेजमेंट फीस, अगर एक एक्टिव फंड है जहां एक फंड मैनेजर ये डिसीजन ले रहा है कि चलिए निफ्टी 50 जो आपका बेंचमार्क है वहां रिलायंस इंडस्ट्रीज 10% है, आपको 10% रिलायंस इंडस्ट्रीज नहीं चाहिए या आपको 5% रिलायंस चाहिए, आपको कहीं बाहर जाके दूसरा स्टॉक लेना है, तो वो होता है एक्टिव फंड। वो उस तरह के फंड्स के लिए आपकी जो मैनेजमेंट फीस होती है वो ज्यादा होती है। उसके अलावा फंड को चलाने का ऑपरेशनल खर्चा, ये सब मिला के आपका टोटल एक्सपेंस रेशियो बनता है, GST टैक्स लग गई, तो ये टोटल एक्सपेंस रेशियो जो होता है सेबी ने डिफाइन किया हुआ है। सेबी ने कहा है अगर आप एक 500 करोड़ के फंड है तो आप 2.25% का एक्सपेंस रेशियो ज्यादा करके चार्ज कर सकते हैं, अपर लिमिट। उसी तरह से पैसिव फंड जो हो जाते हैं, जैसे आपका ETF, आप ETF के बारे में बोल रहे थे कि वहां एक्सपेंस रेशियो कम हुआ है, अब ETF क्या हो जाता है, आप एक बेंचमार्क को फॉलो कर रहे हैं जिससे बेंचमार्क में अगर 50 स्टॉक हैं जिस प्रपोर्शन में हैं आप वही खरीदने वाले हैं, तो यहाँ क्योंकि एक्टिव कॉल इतना नहीं लिया जा रहा यहाँ खर्चे कम होते हैं, तो पैसिव फंड में एक्सपेंस रेशियो की इम्पोर्टेंस ज्यादा हो जाती है क्योंकि आप जितना बेंचमार्क ने रिटर्न दिया है उससे मिरर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो जितना छोटा एक्सपेंस रेशियो उतनी गैप आपके पैसिव फंड की और बेंचमार्क की कम रहेगी। तो एक्टिव फंड से ज्यादा इम्पोर्टेंट एक्सपेंस रेशियो एक पैसिव फंड में हो जाता है।
नीरव, अब मुझे आपसे ये समझना है कि जब हम पैसिव में एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं और कितना अहम हो जाता है, ये समझाया श्वेता ने, इसके बावजूद भी जो मौजूदा दायरे हैं एक्सपेंस रेशियो के, भले एक्टिव की बात करूं या पैसिव की बात करूं, वो किस तरह से निर्धारित हैं और जो कटौती हमें दिखाई दे रही है वो कटौती कितने तक की है? जी सो एक्टिव फंड्स में जो कि एक्टिवली मैनेज किए जाते हैं, जैसे कि श्वेता ने एक्सप्लेन किया है, उसमें बिकॉज एक फंड मैनेजर एक्टिव कॉल लेता है, इट इज प्रिज्यूम कि उसमें काफी यू नो ऑपरेशनल और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस के साथ ही साथ काफी फंड मैनेजमेंट एक्सपेंस भी इनकर किया जाता है, जो कि फंड मैनेजमेंट टीम उससे एसोसिएटेड एनालिस्ट टीम वगैरह की होती है। तो एक्टिवली मैनेज फंड्स की जो एक्सपेंस रेशियो होती है वो काफी हद तक पैसिव फंड से ज्यादा होती है। एक पैसिव फंड्स में यू नो जनरली पैसिव फंड्स जो होते हैं उनकी जो एक्सपेंस रेशियो होती है वो काफी कम ही रहती है उसमें, बिकॉज खास कुछ फंड मैनेजमेंट एक्टिव फंड मैनेजमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। उसकी जो अंडरलाइंग इंडेक्स है केवल उसके हूबहू परफॉर्मेंस जनरेट करना है और वैसे ही पोर्टफोलियो भी क्रिएट करना होता है। सो एक्सपेंस रेशियो काफी हद तक कम रखा जाता है पैसिव फंड्स में, स्पेशली इंडेक्स ईटीएफ्स में। वैसे ही इंडेक्स ईटीएफ्स हैव बीन अमंग्स दी लोएस्ट कॉस्ट प्रोडक्ट्स, काफी लो कॉस्ट प्रोडक्ट होता है उसमें, वैसे ही खर्च जो होता है वो सबसे कम होती है। उसमें भी काफी ऐसे अभी म्यूचुअल फंड्स का इरादा लग रहा है कि वो जितना कम है उससे भी और घटाकर कम किया जा सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड के जो निफ्टी 50 ETF है उन्होंने 0.05% जो एक्सपेंस रेशियो है उसको घटाकर अप्रोक्सीमेटली 0.03% कर दिया है। सो वैसे ही एक्टिवली मैनेज फंड्स का जो एक्सपेंस रेशियो होता है डिपेंडिंग अगर वो डायरेक्ट या रेगुलर प्लान हो इससे कई गुना ज्यादा होती है, करीबन 1.5 से 2.5% के बीच में होती है। बट इस ETF का जो एक्सपेंस रेशियो है केवल 5 पैसा है और या फिर 0.05% कहते हैं और उससे कम किया गया है। SBI Nifty 50 ETF अगर देखेंगे तो उनका एक्सपेंस रेशियो अभी 0.07% है, UTI ETF की 0.06% है। ऐसे काफी रीजनेबल रेट्स में Nifty 50 के ETF अभी प्रेजेंट किए गए हैं कस्टमर्स को, और ये इरादा लग रहा है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की ताकि इन्वेस्टरों को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो, निवेशकों को, इसीलिए वो और भी इसे घटाने की इच्छा प्रदर्शित कर रहे हैं। सो इसलिए हम देखेंगे फंड्स लाइक ICICI प्रूडेंशियल या निपॉन में भी काफी स्टीप गिरावट आई है। वैसे हमें लगेगा नहीं कुछ खास हुआ है बिकॉज 0.05% से 0.03% हुआ है, लेकिन ऐसा देखा जाए तो 40% से कॉस्ट जो है कम हो चुका है। सो कुछ इस तरह द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री इज ट्राइंग टू जो कोशिश कर रहे हैं कि इन ETFs को और कॉस्ट एफिशिएंट बना दिया जाए और एक्सेसिबल और फायदेमंद बना दिया जाए इन्वेस्टर्स के लिए। एक और चीज़ जो लिंक्ड है इस पूरी खबर के साथ वो ये है कि ट्रैकिंग एरर एक्सपेंस रेशियो का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट ट्रैकिंग एरर पर भी पड़ता है। श्वेता, ज़रा इसके कनेक्शन को हमें समझाइए, क्योंकि एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रैकिंग एरर कितना होता है, कितना बड़ा कितना कम होता है हमको ये बताएं, और उसके बाद एक्सपेंस रेशियो अगर कम किया जाए तो इससे ट्रैकिंग एरर को कम करने में कितनी सहायता मिलती है और इसका मतलब क्या है? जी कविता, सबसे पहले ये ट्रैकिंग एरर होता क्या है? ट्रैकिंग एरर जैसे नाम बोल रहा है, आप एक बेंचमार्क को ट्रैक कर रहे हैं, आप बेंचमार्क को 100% रेप्लिकेट कर रहे हैं, तो आपकी रिटर्न वैसे तो बेंचमार्क जैसी ही होनी चाहिए। तो अगर बेंचमार्क ने 17% की रिटर्न दी है, आप बेंचमार्क को मिरर कर रहे हैं तो 17% की रिटर्न होनी चाहिए। लेकिन कई बारी क्योंकि आपका एक एक्सपेंस है, आपका खर्चा है, तो 17% अगर बेंचमार्क ने दिया है, ईटीएफ 17% नहीं देगा, वो आपको जैसे बोलिए 16.9% की रिटर्न देगा। तो ये जो 10 पैसे का फर्क है जो बेंचमार्क ने रिटर्न दी और जो ईटीएफ या इंडेक्स फंड ने रिटर्न दी होगी, उसे हम बोलते हैं ट्रैकिंग एरर। तो ट्रैकिंग एरर का एक मेजर रीजन या एक मेजर कारण होता है आपका एक्सपेंस। दूसरा कारण होता है कई बारी आप ईटीएफ जब खरीद रहे हैं तो आप दिन भर में कभी भी खरीद सकते हैं, 12 बजे 1 बजे जैसे आप स्टॉक खरीदते हैं,
ना कि म्यूचुअल फंड की तरह जहां पे आपको एंड ऑफ द एनएवी एंड ऑफ द डे की प्राइस पे मिलता है। तो कई बारी वो प्राइस का माइनर डिफरेंस रहता है जिस वजह से भी फर्क आ जाता है। बट मैं कहूंगी अगर ट्रैकिंग एरर 10 पैसा है, आप देखोगे स्कीम का जो एक्सपेंस होता है वो 6 से 7% 7 पैसा होगा। तो ट्रैकिंग एरर का मेजर कंपोनेंट रहता है एक्सपेंस का। अगर आपने 5 पैसे से 3 पैसे की एक्सपेंस कर दी, आपका ट्रैकिंग एरर करीबन जो 10 पैसा था, आप बोल सकते हो 7 से 8 पैसा हो जाएगा। अब हमारे पास तो ये इम्पोर्टेंस रहता एंड है में हमारे एक पास एक्सपेंस नहीं, रेशियो का ट्रैकिंग एरर के लिए। इसीलिए हमेशा यही कहा जाता है कि जितना कम से कम एक्सपेंस रेशियो का ETF हो वो ही आपको अपनाना चाहिए। बहरहाल एक्सपेंस रेशियो हालांकि एक ऐसा पैमाना नहीं होना चाहिए ETF में निवेश करने का। ETF की ज़रूरत आपको है या नहीं अपने पोर्टफोलियो में, उसके लिए या तो आप सवाल हमें भेजें या तो किसी फाइनेंशियल प्लानर से कंसल्ट करें, या तो खुद अपनी तैयारी इस तरह से कीजिए, अपने आप को जागरूक बनाइए ताकि आप ये समझ पाएँ कि ETF को अपने पोर्टफोलियो में रखना कितना फ़ायदेमंद है या नहीं। लेकिन हाँ, एक्सपेंस रेशियो के पैमाने पर इसको अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना शायद सही नहीं होगा। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और नीरव, जो सुनने में आ रहा है वो ये है कि अब आपको जो है जो सेबी का इरादा है वो ही बताने की कोशिश कर रही हूँ। परफॉर्मेंस बेस्ड फी का एक मॉडल सेबी जो है आजमाने की कोशिश कर रहा है, अब क्या गाज गिरेगी एक्टिव फंड मैनेजर्स पर? देखिए तो सभी हमेशा से चाहता है कि इन्वेस्टर्स की जितनी ज्यादा सुरक्षा की जा सकती है उतनी ज्यादा सुरक्षा की जाए, उनके इंटरेस्ट की सुरक्षा की जाए। सो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के तहत और इस ऑब्जेक्टिव से सभी अब एक कोशिश कर रहा है कि परफॉर्मेंस के हिसाब से एक्सपेंस चार्ज करे जो फंड मैनेजर्स है। वो सभी ये कोशिश कर रहा है कि जो परफॉर्मेंस दे उसी को ज्यादा एक्सपेंस चार्ज करने का ये जो अपॉर्चुनिटी है दिया जाए। काफी काफी ऐसे निवेशक हैं, काफी इन्वेस्टर्स हैं जो बहुत समय से खफा है, क्योंकि काफी इन्वेस्टर्स की काफी फंड्स जो है उनके बेंचमार्क भी आउट परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, और काफी फंड्स जो है वो बेसिक परफॉर्मेंस भी डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। तो इन्वेस्टर्स काफी खफा है, निवेशक काफी खफा है कि अगर हम एक्सपेंस पे कर रहे हैं, अगर हम कोई चार्जेस पे कर रहे हैं, तो जो एक्सपेक्टेड सर्विस है जो कि होती है फंड की परफॉर्मेंस या बेयर मिनिमम एक्टिवली मैनेज फंड्स के लिए जो होता है बेंचमार्क के खिलाफ आउट परफॉर्मेंस, कम से कम एटलीस्ट वो डिलीवर किया जाए उन्हें। सो दिस इज ये कोई और अगर कोई और नॉर्मल कंज्यूमर सिचुएशन देखा जाए, तो अगर हम किसी को सर्विस की फीस देते हैं तो हम उम्मीद रखते हैं कि वो जो सर्विस है वो अच्छे से और पूरे ईमानदारी से वो सर्विस को डिलीवर करे और निभाए। तो बस कुछ इस तरह से भी चाहता है कि चार्जेस भी इन निवेशकों को उसी हिसाब से लगाया जाए जिस हिसाब से फंड मैनेजर्स अपने परफॉर्मेंस से वैल्यू डिलीवर करता है इन निवेशकों को। सो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक लैंडमार्क चेंज माना जा सकता है, क्योंकि काफी हद तक जो बड़े प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि PMS AIFs, काफी ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसमें ये इंट्रोड्यूस किया गया है। ग्लोबली काफी ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जहाँ पर आउट परफॉर्मेंस और परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव्स होती है, बट काफी समय से म्यूचुअल फंड्स को फ्लैट फीस का रूल सेट किया गया था कि चाहे परफॉर्मेंस जैसे भी हो वो फीस तो चार्ज करते रह सकता है, बट अब लगता है इनके समय बदलने वाला है। अब वो एक कहा जाता है कि कमाई उसी को कहा जाता है जिसे कमाया गया हो। सो अब शायद वो मौका आ गया है कि काफी फंड मैनेजर जो है वो काफी बखूबी कमा ही रहे थे, मेहनत करके आउट परफॉर्मेंस डिलीवर कर रहे थे, बट कुछ ऐसे चंद फंड मैनेजर है जो शायद उन चार्जेस के हिसाब से जो एक्सपेंस चार्ज कर रहे थे उस हिसाब से मन लगाकर काम नहीं कर रहे हो, या फिर अगर मन लगाकर काम कर रहे हो तो उनका उस स्तर पर रिजल्ट डिलीवर नहीं कर पा रहे थे। तो ये एक अब समय ऐसा आने वाला है जहां पर मन के अलावा परफॉर्मेंस या आपके फिर कुछ प्रदर्शन फैसले भी होते जरूरी है। हैं जो शायद आपको लगते हैं कि आपने सही लिए, लेकिन बाजार के करवट लेते ही आपके फैसले धराशायी हो जाते हैं। बहरहाल अगर निवेशकों के नज़रिए से देखा जाए, तो अगर ऐसी सेबी की मंशा है और इस बेसिस पर, इस बिना पर अगर इस तरह को कुछ इंट्रोड्यूस किया जाता है, तो उनके लिए काफ़ी पारदर्शी होगा। निवेशकों के पैसों के हिसाब से अगर देखा जाए, तो ये स्वागत करने लायक फैसला हो सकता है। लेकिन
एक पेचीदा मामला जो कि दर्शकों को हमें आसान भाषा में समझाना होगा, श्वेता आप पर जिम्मेदारी है उसकी। जो बेस टोटल एक्सपेंस रेशियो है उसका आधा हो सकता है एक्चुअल टीएआर लिमिट, ये पूरा मामला जरा हमको समझाइए कि किस तरह से ये कैलकुलेट होता है, और जब सेबी कह रहा है कि आधा हो जाएगा तो इसका क्या मतलब है? प्रस्ताव जो रखा है वो ये है कि आज के दिन पे समझिए आप एक फिक्स फी पे कर रहे हैं जो 2% की है। तो अगर आपकी समझ लीजिए ग्रॉस रिटर्न, मैं कहूंगी फीस आने के पहले जो फंड ने रिटर्न डिलीवर करा वो 20% का है, उस पे आपकी 2% की फ्री फी कट गई, 18% का नेट रिटर्न आपने बनाया, ये आज के दिन पे होता है। अब पहला प्रस्ताव ये है कि 2% के जगह आप 1% की फिक्स फी चार्ज करेंगे। तो अगर आपने अब 20% की रिटर्न ग्रॉस बनाई उस पे 1% आपका फिक्स फी कट गया। दूसरी चीज इसमें आ गई जो वेरिएबल कंपोनेंट है या परफॉर्मेंस बेस्ड फी, वो इस तरह से लग सकती है कि आपने अगर एक बेंचमार्क रिटर्न के ऊपर डिलीवर किया है तो बेंचमार्क ने समझ लीजिए इसी समय में 10% की रिटर्न दी, आपने 20% की रिटर्न दी, तो आपका फंड ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है तो बेंचमार्क को तो आप क्रॉस कर गए। अब सेबी बोलता है आप बिकॉज आपने बेंचमार्क को क्रॉस कर दिया आप बोलिए 20% की परफॉर्मेंस फी चार्ज कर सकते हैं, तो 20% का आपको लग गया 2% और यहाँ आपको लग गया 4%, आपने दे दिया था और 1% का फिक्स्ड फी, तो आपकी टोटल कॉस्ट लग जाएगी 5% की। अब यही समझ लीजिए दूसरा केस, आपने 12% की रिटर्न ही दी है और एक बेंचमार्क ने 10% की रिटर्न दे दी, 2% आपने फिर भी आउट परफॉर्म किया, इस भी केस में आप एक परफॉर्मेंस शेयर पे करेंगे, परफॉर्मेंस फी पे करेंगे। तो मेरे नजर से अगर देखा जाए, अगर आप बहुत अच्छे फंड में हैं जो लगातार बेहतरीन परफॉर्म कर रहा है उस केस में अगर आप परफॉर्मेंस फी चार्ज कर रहे हैं, तो आज का जो सिचुएशन है जहां पे परफॉर्मेंस चाहे जो हो जाए आप 2% ही फी देने वाले हैं, फिक्स्ड फी प्लस वेरिएबल फी की जो आपकी कॉम्बिनेशन है या फिक्स फी प्लस परफॉर्मेंस बेस्ड फी की जो कॉम्बिनेशन है उसमें आप हो सकता है ज्यादा फी पे करें। अब दूसरे तौर पे अगर कोई फंड नहीं अच्छा कर रहा तो आप उसको वो परफॉर्मेंस फी ना ना पे करेंगे तो वो फायदा हो जाएगा। बट कविता मैं आपको एक आंकड़े बताने चाहूंगी कि पिछले 5 साल में या पिछले 3 साल में अगर हम देखें तो करीबन 50 से 60% फंड्स ने निफ्टी 50 एज अ बेंचमार्क को आउट परफॉर्म किया है। तो जरूरी नहीं है कि अगर हम परफॉर्मेंस बेस्ड फी पे चले गए तो निवेशक के हिसाब से वो कम खर्चा उनको लग रहा है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का। नीरव, क्या लगता है ये कितनी जल्दी लागू हो सकता है? क्या क्या बातें फिलहाल ध्यान में रखी जा रही हैं सेबी की तरफ से, जिन किन का संज्ञान लिया जा रहा है? क्या म्यूचुअल फंड हाउसेस, क्या AMCs एक मत पर हैं इस पूरे इरादे को लेकर? जी, इस पर काफी विचार विमर्श काफी तेजी से चलते जा रहा है इंडस्ट्री में। काफी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज भी ओपन है इस विचार को लेकर। इनफैक्ट काफी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज जो है वो सपोर्ट में होती है सेबी के काफी गाइडलाइंस को लेकर, बिकॉज द इंडस्ट्री जो है वो भी चाहती है कि इन्वेस्टर्स की जो इंटरेस्ट है उसे प्रोटेक्ट किया जाए। जैसे कि सेबी का भी वही उद्देश्य है, इंडस्ट्री का भी वही उद्देश्य है। सवाल केवल इतना है कि न्यूआंसेस क्या रहने वाला है, कंप्यूटेशन की जो कैलकुलेशन है उसका तरीका क्या रहने वाला है। बस ये कुछ डिटेल्स जैसे ही आयन आउट हो जाते हैं, जैसे ही फिक्स किए जाते हैं, वैसे ही वी कैन एक्सपेक्ट सेबी टू रोल आउट दिस एज अ रूल। इनफैक्ट अभी फिलहाल कंसल्टेटिव स्टेज पर है, काफी इंडस्ट्री प्रैक्टिशनर्स एंड रिलेटेड पार्टीज की जो ओपिनियंस है वो ली जाएगी। उन सभी को मद्देनजर रखते हुए फाइनली ये गाइडलाइंस रोल आउट होगा। ये मौके पर कह सकता हूँ कि जल्द होने वाला है, पर ये जो रूल्स है ये जल्दी लागू हो सकते हैं, पर 1-2 क्वार्टर्स में तो नहीं होगा ये रूल्स लागू, क्योंकि ये कंसल्टेटिव पेपर से लेकर सर्कुलर निकलने तक का जो समय है उस पर काफी विचार विमर्श मंथन चलता है। तब उसके बाद जाकर काफी एक सटीक तरीके से एक सर्कुलर और गाइडलाइंस निकाला जाता है। तो एटलीस्ट दिस कैलेंडर ईयर, ये कैलेंडर ईयर 2023 में तो मुझे लगता नहीं ये
रूल लागू होगा, बट हो भी सकता है अगर काम जल्दी हो जाए तो। बिल्कुल देखना होगा, क्योंकि साथ ही अगर हम ग्लोबल मार्केट्स की बात करें तो यूके यूएस में तो परफॉर्मेंस लिंक्ड फीस म्यूचुअल फंड्स चार्ज करते ही हैं, और वहाँ पर शायद इसको ओवर रेगुलेशन के तौर पर भी देखा जाता है। अच्छा, ओपन एंडेड स्कीम्स में अगर अगर इस तरह की चार्जेस लगाए जाएँ तो आउट परफॉर्मेंस का पैमाना क्या होगा? जब से निवेशक ने उस फंड में पैसे लगाए हैं तब से अगर आउट परफॉर्मेंस देखी जा रही है तो तब जाके क्या वो फीस उनको ज़्यादा देनी पड़ेगी? अंडर परफॉर्मेंस पर तो खैर कोई शिकायत करेगा नहीं, शिकायत अब शायद तब हो सकती है जब फंड ज्यादा परफॉर्म करे, बेहतर परफॉर्म करे, बेहतर कमाई दे। बहुत सारे सवाल हैं, क्लैरिटी को लेकर इंतजार करना होगा। बहरहाल इस पेशकश में आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, समय निकाला, दर्शकों का मार्गदर्शन किया।